हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अधिगम का, जो है CDP में अधिगम। आज से हम जो है CDP की भी बात करेंगे, CDP में डिटेल वीडियो लाएंगे, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक डेली CDP का ख़त्म करेंगे, जो कि आपके सेंटर लेवल हो या फिर आपका CTET हो या फिर स्टेट लेवल में UPTET हो या MPTET हो, आपका ये हर जगह पे क्या होता है, हर जगह पे अधिगम से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो CDP का जो है रोल महत्वपूर्ण होता है, जिसमें अधिगम और जो है क्या नाम है वक्र, ये सब चीज़ें क्या हैं, इसमें महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाती हैं। तो आज जो है सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है अधिगम पर। तो इसे शुरुआत करने से पहले, चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अपने एग्ज़ाम को बहुत ही मजबूत कर लीजिए। प्रैक्टिस के साथ आपको अब आज से डिटेल वाली क्लास भी मिलेगी, थ्योरी क्लास भी मिलेगी, ठीक है। तो इसी तरह आप बने रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं अधिगम का अर्थ। अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम के अर्थ का मतलब होता है, अधिगम सीखने का वह ज्ञान है जो हमारे व्यवहार में स्थाई जो है क्या लाता है, परिवर्तन लाता है। यानी सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि अधिगम वास्तविक शब्दों में केवल क्या कहते हैं, अधिगम सीखना या अधिगम जो है क्या है, सीखना नहीं बल्कि क्या है, अधिगम आपके व्यवहार में क्या लगता है, एक अस्थाई परिवर्तन लाता है। सीधी बात, अधिगम सीखना ही नहीं बल्कि क्या करता है, अधिगम आपके जो व्यवहार है उसमें क्या करता है, एक स्थाई जो है परिवर्तन लाता है आपके व्यवहार में, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं कि एक व्यक्ति जो है क्या करता है, अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे कार्य जो करता है और परिस्थितियों से गुजरता है। तो आप डेली कुछ ना कुछ जो है अधिगम करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं अपने जो है अपने डेली रूटीन में। तो आप जो डेली सीखते हैं वो सब क्या है, अधिगम है। यानी आप समझ लीजिए, कभी आपको कुछ कोई कुकिंग, किसी को कुकिंग का शौक़ होता है, तो उसे जैसे आपको मैगी बनानी है, तो आप मैगी बनाने के लिए आपको नहीं आ रही है, तो आप क्या करेंगे, आप जो है आजकल तो आप सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, यूट्यूब से सर्च करके आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर देख के आप सीखते हैं। तो ये क्या है, एक सीखना है, आपने क्या सीखा, मैगी बनाना सीखा। उसी तरह क्या है, आप डेली अपने स्कूल हो या फिर आपका कहीं भी एरिया हो, आप कहीं बाहर जा रहे हो, हर तरीके से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे वो सकारात्मक हो। तो आपके व्यवहार में जो परिवर्तन ला दे वही क्या है, अधिगम होता है, वही आपका लर्निंग होता है, ठीक है। तो अधिगम वो भी होना चाहिए आपका, क्या स्थायी रूप से परिवर्तन होना चाहिए, आपके परिवर्तन हो जाना चाहिए। जैसे कि आप छोटे बच्चे को क्या सिखाते हैं, आदर करना, बड़ों का प्रणाम करना, नमस्ते करना सिखाते हैं, तो बच्चा फिर एक टाइम आता है कि बच्चा खुद से ही नमस्ते करने लगता है। वो क्या है, बच्चे में एक स्थायी परिवर्तन आ चुका है, आपने उसे सीख दे दी है, ठीक है। चलिए तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अधिगम की जो परिभाषाएँ हैं। तो अधिगम की परिभाषाएँ देने वाले बहुत सारे वैज्ञानिक जो हैं मनोवैज्ञानिक रहे हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं उन्हें उन पर ही हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है सार्टेन के अनुसार, सार्टेन का कहना है कि प्रतिदिन होने वाले नए अनुभवों के कारण व्यवहार में होने वाला जो स्थायी परिवर्तन है उसी को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। यानी सार्टेन ने कहा कि जो डेली हमारे जो नए नए अनुभव मिलते हैं उनके कारण जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्थायी परिवर्तन ही हमारा क्या कहलाता है, लर्निंग कहलाता है। वुडवर्थ का कहना है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया का अर्जन ही अधिगम है। वुडवर्थ का कहना है नवीन ज्ञान यानी नया ज्ञान और प्रतिक्रिया का अर्जन करना, स्वीकार करना अधिगम कहलाता है। स्किनर का कहना है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है, यानी आप किसी चीज़ में अनुकूलन कर ले रहे हैं तो वो भी आपका एक अधिगम होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं, गिलफोर्ड का कहना है व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। तो गिलफोर्ड ने कहा
जो भी व्यवहार के कारण आपके व्यवहार में जो भी स्थायी परिवर्तन आता है वही आपका क्या है, लर्निंग है। गेट्स का कहना है अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा, यानी जो आप अनुभव लेते हैं, जो आप प्रशिक्षण लेते हैं, यानी जो भी आप ट्रेनिंग लेते हैं उसके द्वारा जो व्यक्ति के व्यवहार में जो भी स्थायी परिवर्तन आता है वही अधिगम है। यानी आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, सब में स्थायी परिवर्तन की बात की गई है, यानी जो भी अधिगम होगा आपका स्थायी ही होगा, ठीक है। क्रो एंड क्रो ने कहा नया ज्ञान आदत और अभिवृत्तियों का अर्जन, यानी नए ज्ञान का अर्जन, आदत और अभिवृत्तियाँ जो अर्जन की जाती है वही क्या होती है, अधिगम होती है। यानी आप अर्जन करके, आप कहीं से सीख के, आप कुछ न कुछ ट्रेनिंग करके आप क्या करते हैं, अधिगम को क्या करते हैं, पाते हैं, आप अधिगम सीखते हैं, लर्निंग सीखते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अधिगम। चलिए तो इतना आपको समझ में आया, ये थी परिभाषाएँ। अब हम बात करते हैं अधिगम की विशेषताएं क्या हैं। अधिगम की विशेषता ये है कि अधिगम सीखना क्या कहलाता है, सीखने को अधिगम कहते हैं। जैसे अभी जो है आप क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। आप मान लीजिए जो कुछ भी आप जो आपकी ट्रेनिंग होती है, चाहे BTC हो चाहे BEd वाले स्टूडेंट हो, उनकी जब ट्रेनिंग होती है आप जाते हैं स्कूल में बच्चे को पढ़ाने, तो आप सिर्फ बच्चे को पढ़ाने नहीं जाते, बच्चे को सीख देने नहीं जाते, बल्कि आप खुद सीख कर वहाँ से कुछ आते हैं, आपको कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस मिलता है, वही आपका क्या, वहाँ से आपका क्या हो जाता है, अधिगम हो जाता है। आप कुछ ना कुछ टीचरों से सीखते हैं, कुछ ना कुछ बच्चों से सीखते हैं, वहाँ के माहौल से सीखते हैं, वहाँ आपके जो इन्वायरमेंट होती है वहाँ से सीखते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आपकी सीखना है, तो आपने सीखा वही आपका क्या हो गया, लर्निंग हो गई, वही आपका अधिगम हो गया। फिर दूसरा पॉइंट है व्यवहार, अधिगम व्यवहार परिवर्तन है, यानी अधिगम वही है जो आपके व्यवहार में चेंजेस ला दें, ठीक है। मान लीजिए अभी आपके अंदर कोई निगेटिव थॉट चल रहा है और वो निगेटिव थॉट चल रहा है, आप कोई पॉजिटिव थॉट देख के आपका वो निगेटिव थॉट हट गया, तो आपका वो क्या हो गया, अधिगम परिवर्तन हो गया, आपके व्यवहार में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, ठीक है। कोई बच्चा गाली दे रहा है, आप उसे डांट के प्यार से समझा के उस गाली को क्या करेंगे, उसके माइंड से हटाएंगे, किसी तरह उसे दूर करेंगे, और बच्चा एक टाइम आएगा गाली देना बंद कर देगा, तो क्या हो जाएगा, बच्चे के अंदर स्थायी परिवर्तन हो जाएगा, यानी उसके बच्चे के व्यवहार में क्या हो जाएगा, चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। फिर बात हुआ अधिगम नवीन ज्ञान प्रतिक्रियाओं का ग्रहण है, यानी कोई ना कोई नए ज्ञान आप, कोई ना कोई प्रतिक्रियाएं आप ग्रहण करते रहते हैं, वो भी आपका अधिगम है। नई आदतों का निर्माण करना भी आपका अधिगम है। अधिगम अनुभव का संगठन है, यानी आप नए नए अनुभव जो है ग्रहण करते हैं, ये भी आपका क्या है, अधिगम है। अधिगम जो है आपका कार्य व उत्पादन भी है, आप कार्य करते हैं उससे आप सीखते हैं, कोई उत्पादन करते हैं उससे सीखते हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं, अधिगम है। आप अनुकूलन के द्वारा अधिगम सीखते हैं, अनुकूलन ये स्किनर की बात, स्किनर ने कहा था, तो अनुकूल स्किनर का कहना है कि अनुकूलन के माध्यम से भी आप जो है अधिगम सीखते हैं। अगर आप किसी परिस्थिति में आपने अपने आप को ढाल लिया, समायोजन कर लिया, तो वहाँ भी आप अधिगम का आपका परिवर्तन होता है, आपके व्यवहार में चेंजेस आती हैं, ठीक है। अधिगम विशेष परिस्थितियों की उपज है, यानी आप अधिगम वहाँ पे भी करते हैं, जब मान लीजिए आप यहाँ पे जैसे उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, तो आपको यहाँ पे जो है नॉर्मल जो है वेदर की जो है जलवायु की आपको आदत है, लेकिन आप पहाड़ी इलाके में चले जाएंगे तो वहाँ की जलवायु अलग होती है, तो आपको थोड़ा सा इफेक्ट करेगा वहाँ पे, लेकिन आप अपने आप को उस वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते, तो आपने अपने व्यवहार में क्या कर लिया है, परिवर्तन कर लिया, आपने अपने उस परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया, तो आपका अधिगम परिवर्तन हो गया है, यानी आपने वहाँ पे अधिगम कर लिया है, ठीक है। अन्य अधिगम की अधिगम, ठीक है, उसके बाद अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी सतत प्रक्रिया, अधिगम कभी ख़त्म नहीं होती। आपका जन्म जब से होता है तब से मृत्यु तक आपका जीवन प्रयत्न अधिगम चलता रहता है, आप जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, डेली आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, वही आपका क्या है, अधिगम है, ठीक है। तो आई होप आपको अधिगम की विशेषताएं समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे जो है
सीखने के प्रकार या लर्निंग के प्रकार या फिर अधिगम के प्रकार। अधिगम के जो प्रकार हैं, ज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम, क्रियात्मक अधिगम। यानी अधिगम तीन प्रकार से सीखे जाते हैं, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक रूप से। सबसे पहला है ज्ञानात्मक अधिगम। ज्ञानात्मक में आप बौद्धिक जो है यह बौद्धिक विकास तथा ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया पर प्रयुक्त होता है। इसमें प्रत्याख्यात्मक, प्रत्यात्मक, सहचर्यात्मक रूप से सीखा जाता है। यानी ज्ञानात्मक जो अधिगम है आपके बौद्धिक क्षमता पर, आपके बौद्धिक विकास पर संभव है। आप जो ज्ञान अर्जित करते हैं वो माइंड जो है आपके मानसिक पे होता है, आपके बौद्धिक विकास से अर्जित होता है। आप बौद्धिक जो बौद्धिक के द्वारा आप अपने क्रियाओं को पूरा करते हैं, ठीक है। फिर बात आती है भावात्मक अधिगम। भावात्मक के रूप से आप जो है अपने जो है संबंधों से, बच्चों के कोमल भावनाओं से, या फिर भावनात्मक अधिगम का उद्देश्य बच्चे किसी वस्तु को देखकर, किसी आवाज़ को सुनकर आनंद प्राप्त करते हैं। यानी देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, कोई कार्टून देखते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, कार्टून देखते हैं। और कार्टून में बच्चे भले उन्हें समझ में ना, छोटे बच्चे, लेकिन उन्हें जो उनकी वॉइस है, जो उनका जो चीज़ें बनता है, एनिमेशन होता है, बच्चे उनसे क्या अटैच हो जाते हैं। तो बच्चे फीलिंग के साथ, आनंद के साथ उसे क्या करते हैं, सीखते हैं। अब छोटे बच्चों को देखेंगे, आजकल तो 1.5 साल का बच्चा भी फ़ोन चलाने लगा है, 100 साल भर का बच्चा फ़ोन चलाने लगा है। तो इस क्या है, भावात्मक अटैचमेंट हो जाती है उनकी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रियात्मक, कुछ ना कुछ करके सीखना। यानी क्रियात्मक अधिगम वही है, करके सीखता है बच्चा, ठीक है, करके सीखता है। इसमें क्या करता है, या तो संगीत हो गया, नृत्य हो गया, मॉडल बनाना, बच्चा डांस करके, कोई एक्टिविटी करके अपने आप को क्या करता है, अधिगम में निपुण करता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप उसका लर्निंग हो जाता है, ठीक है। तो ये बात रही, आप देखेंगे एग्जाम्पल में, जैसे कि बच्चा, आप देखते हैं बाल्य अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, खिलौने दोगे तो आप वो बच्चे क्या करते हैं, खिलौने को तोड़ फोड़ के फिर उसे जोड़ेंगे, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सीखते हैं, वह करके सीखते हैं। तो करके सीखना ही बच्चों में सबसे ज़्यादा अच्छा व्यवहारिक परिवर्तन माना जाता है। लर्निंग सबसे बेस्ट तभी होती है जब बच्चा खुद से करके सीखता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अगला जो है टॉपिक है, जैसे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, उसके फैक्टर कौन कौन से हैं। अब अधिगम को प्रभावित करते कौन कौन से कारक हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक है व्यक्तिगत कारक, इंडिविजुअल फैक्टर। व्यक्तिगत कारक में अभिप्रेरणा आ जाता है। अभिप्रेरणा में अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा, अभिप्रेरणा। बच्चे को आप मोटिवेट करेंगे, मोटिवेशन देंगे, तो बच्चा क्या करेगा, जल्दी सीखता है। यानी आप देखिए, कोई बच्चा अगर कोई मतलब मिस्टेक कर रहा है, या मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन आपने पूछा बच्चे से, बच्चा भी जो है झिझक रहा है, नहीं बता पा रहा है, तो आप उसे थोड़ा सा मोटिवेट करिए, थोड़ा सा लैंग्वेज अपना परिवर्तित कीजिए, थोड़ा सा उसके लेवल पे जाके उसे जो है हेल्प कीजिए, तो बच्चा डेफिनेटली आपको आंसर करेगा। तो वहाँ पे क्या है, आप बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं, तो बच्चा वहाँ पे सीखेगा, तो वहाँ पे अधिगम आपका प्रभावित होगा। इच्छा शक्ति, बच्चे के अंदर जब तक रुचि नहीं होगी, जब तक बच्चा खुद नहीं चाहेगा, तब तक क्या करेगा, अधिगम नहीं होगी। तो बच्चे के अंदर इच्छा शक्ति लाना एक टीचर का कर्तव्य है। आप ऐसा कुछ करिए कि बच्चे के अंदर रुचि आए, कि वो खुद से सीखे। जब तक बच्चा खुद से नहीं सीखना चाहेगा, तब तक वो नहीं सीखेगा। तो अधिगम को प्रभावित करता है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। जब तक बच्चा स्वस्थ नहीं होगा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तब वहाँ पर भी आपका अधिगम प्रभावित होता है। यानी कुल मिला के आपका बच्चे का स्वस्थ होना ज़रूरी है, बच्चे को मोटिवेशन मिलना ज़रूरी है, बच्चे की रुचि होना ज़रूरी है, और बच्चे की आयु परिपक्वता, यानी आयु के हिसाब से क्वेश्चन पूछे, आयु के हिसाब से उसके सब जो है टॉपिक होनी चाहिए। तो इन पे आधारित ही बच्चे को ध्यान में रखकर ही आप जो है उनके हिसाब से ही आप अधिगम कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक संबंधी कारक। शिक्षक संबंधी कारक में विषय वस्तु में निपुणता, यानी शिक्षक को अपने विषय में निपुण होना चाहिए। विषय वस्तु में प्रस्तुतीकरण, यानी अपने विषय को प्रस्तुत करने का सरल से सरल तरीका आना चाहिए। बच्चे के सामने वो क्या करता है, किस तरह पेश करता है, जितने अच्छे से आप बच्चे के सामने
जो है प्रस्तुत करते हैं अपने जो है क्या नाम है पाठ्य को, बच्चा उस हिसाब से अपने आप को आपसे कनेक्ट करता है। ठीक है, शिक्षक की व्यक्तित्व, शिक्षक का बिहेवियर कैसा है, सबसे इम्पॉर्टेंट शिक्षक का बिहेवियर होता है। अगर आप बच्चे का अधिगम प्रभावित होता है तो शिक्षक का बिहेवियर, शिक्षक के बिहेवियर से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। अगर शिक्षक नेगेटिव है तो नेगेटिव सीखेगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सीखेगा। तो शिक्षक का व्यक्तित्व बहुत प्रभावित करता है बच्चे के अधिगम पर। नेक्स्ट बात आती है वातावरण संबंधित कारक। तो वातावरण सबसे जो है वातावरण भी महत्वपूर्ण कारक है। तो वातावरण में परिवार का वातावरण कैसा है बच्चे का, नेगेटिव है, मारपीट हो रही है, झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, रोना धोना, तो बच्चे उससे भी प्रभावित होते हैं। तो वहाँ पे भी अधिगम आपका बच्चे का इफेक्ट करता है। विद्यालय और कक्षा का वातावरण, विद्यालय और कक्षा का वातावरण अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अगर वहाँ पे विद्यालय का इन्वायरमेंट अच्छा हो गया तो बच्चे का रुचि होता है। सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण, आपके आसपास की संस्कृति कैसी है, सोशल जो है इन्वायरमेंट कैसा है, ये सब भी बच्चे के अधिगम पर प्रभावित करता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो है छोटे छोटे बच्चे आप देखेंगे सड़क पे भीख मांगते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपके घर में जो बच्चा है 5 साल का, वो बच्चा वहाँ के उनके 2 साल के बच्चे से पीछे होता है। जो 2 साल का बच्चा सड़क पे भीख मांग रहा है वो आपके घर के 5 साल के बच्चे से काफ़ी तेज़ होता है, काफ़ी इंटेलिजेंट और चलाक होता है। क्यों? क्योंकि उसका इन्वायरमेंट, उसकी संस्कृति, उसका सामाजिक जो सोशल जो कनेक्शन था उसका, सब कुछ उसका अलग है। ठीक है, तो जिस तरह बच्चा रह रहा है, जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है, वो इफ़ेक्ट करता है अधिगम पे बच्चे के। मनोवैज्ञानिक वातावरण, बच्चे का मनोवैज्ञानिक वातावरण कैसा, ये भी इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो ये था इफ़ेक्ट के जो है प्रभावित करने वाले कारक। अब बात करते हैं अधिगम का स्थानांतरण कैसा होता है। अधिगम का स्थानांतरण कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। ठीक है, कितने प्रकार से? 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार से कौन कौन से? पहला होता है आपका सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, नकारात्मक भी होता है, और आपका होता है क्या, और आपका होता है शून्य अधिगम स्थानांतरण। अब बात करते हैं सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण क्या होता है। तो सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण वो होता है, एक मिनट पेंसिल को जो है हम पतला कर लेते हैं थोड़ा। तो सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण यानी पॉजिटिव ट्रांसफर, इसमें क्या, एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान किसी नवीन परिस्थिति में को सीखने में सहायता करती है। जैसे साइकिल चलाने वाला व्यक्ति मोपेड चलाता है, मोपेड या चलाना जल्दी सीख जाते हैं। मोपेड नहीं होगा यहाँ पे, आप कह लीजिए यहाँ पे कार कर लीजिए। ठीक है, कार या जो है मोटरसाइकिल कर लीजिए। तो यहाँ पे बात है सकारात्मक अधिगम किसे कहते हैं। सकारात्मक अधिगम वो होता है कि हम कोई चीज़ सीखें, हमने कोई चीज़ सीखा और हमने वही चीज़ किसी अन्य परिस्थिति में, किसी अन्य कंडीशन में हमने उसे यूज़ कर लिया, तो वहाँ पे हमें उसने सहायता कर दिया और वो काम कर गया, तो क्या है, वो पॉजिटिव ट्रांसफ़र हो गया, पॉजिटिव अधिगम ट्रांसफ़र हो गया। जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा और साइकिल चलाते चलाते आपने स्कूटी चलाना सीख लिया, तो साइकिल चलाते हुए आपने स्कूटी सीख ली, ये क्या क्या है, पॉजिटिव अधिगम ट्रांसफ़र हुआ। तो ये था आपका पॉजिटिव अधिगम ट्रांसफ़र। तो अब बात आती है नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण वो होता है जहाँ पर आपने कोई ज्ञान सीखा और वह ज्ञान आप किसी परिस्थिति में जो है यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो नकारात्मक अधिगम आप उसमें आपके सीखने में बाधा कर रहा है। आपने कोई ज्ञान सीखा और वही ज्ञान आप किसी अन्य परिस्थिति में प्रयोग कर रहे हैं, तो वो आपको बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका निगेटिव ट्रांसफर हो गया, यानी आपको बाधा जब कोई भी ज्ञान आपके जो है नए ज्ञान में बाधा उत्पन्न करती है, तो वहाँ पे आपका नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण होता है। जैसे नाव चलाने वाले व्यक्ति को साइकिल चलाने के लिए आप कहेंगे तो क्या चला पाएगा, नहीं, बाधा उत्पन्न होगी। नाव चलाने वाला व्यक्ति साइकिल नहीं चला सकता, वहाँ पे उसको बाधा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण होगा। नेक्स्ट बात आती है शून्य अधिगम स्थानांतरण। शून्य अधिगम स्थानांतरण में
एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान नवीन परिस्थिति को सीखने में न तो सहायता करता है और न ही कोई बाधा उत्पन्न करती है। यानी वहाँ पे बात थी सकारात्मक में बात हुई कि कोई भी ज्ञान आपने सीखी और वही ज्ञान आपने किसी नई ज्ञान में प्रयोग की और वहाँ पे वो सफल हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, सकारात्मक अधिगम हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे आपका नकारात्मक अधिगम वहाँ पे है जब कोई आपने ज्ञान सीखी वही ज्ञान आप नए ज्ञान में प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पे वो बाधा उत्पन्न कर रहा है तो वहाँ पे नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण हुआ। बात आती है शून्य अधिगम स्थानांतरण पर, तो शून्य अधिगम स्थानांतरण में ना तो बाधा उत्पन्न होती है और ना ही आपका जो है कोई सीखना में सहायता होती है। तो यहाँ पे शून्य होता है जब ना तो बाधा करे ना ही सहायता करे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका शून्य स्थानांतरण हो गया। जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए, भूगोल का ज्ञान भौतिक विज्ञान की समस्या में नहीं सुलझा, यानी जब जो भूगोल की बात है और वो फिजिक्स की बात है यानी भौतिक विज्ञान की बात है उसमें आपको समस्या क्या कनेक्शन है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे आपको शून्य अधिगम स्थानांतरण मिलेगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांत हैं। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत में पहला सिद्धांत है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, ठीक है, मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। मानसिक शक्तियों के सिद्धांत में मानसिक शक्ति स्मृति कल्पना को प्रशिक्षित करके इसके प्रयोग एक विषय से दूसरे विषय में किया जाता है। यानी मानसिक शक्तियों का सिद्धांत का कहना है कि मानसिक शक्ति स्मृति यानी मेमोरी कल्पना यानी आपका जो है आप जो इमेजिनेशन करते हैं उसको क्या करना है, ट्रेनिंग करना है, प्रशिक्षित करना है और उसी को क्या करना है, एक विषय से दूसरे विषय में क्या करना है उसको प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है, आपका मानसिक शक्ति का सिद्धांत कहलाएगा। दूसरा बात कहता है समान तत्वों का सिद्धांत, यानी एक विषय का अध्ययन दूसरे विषय के अध्ययन में तभी सहायक सिद्ध होता है जब क्या करता है वह इन दोनों विषयों में कुछ तत्व समान हो। यानी क्या करता है, इसके प्रतिपादक कौन है समान तत्व के, इसके प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। कौन है, थॉर्नडाइक। इनका कहना है कि समान जो है समान तत्वों का सिद्धांत वह है जो एक विषय का अध्ययन दूसरे विषय के अध्ययन से क्या कर रहा हो, समान कहीं ना कहीं कुछ तत्व उसके जो है सेम हो रहे हों, ठीक है। तो ये बात थी अपनी समानता की सिद्धांत की। नेक्स्ट बात है सामान्यीकरण का सिद्धांत। सामान्यीकरण के सिद्धांत में बात आती है सीखे गए ज्ञान का किसी दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। क्या कहता है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है, जड़ ने किया। किसने किया था, जड़ ने। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया है, जड़ ने। इन्होंने कहा कि सीखा गया कोई ज्ञान है और उसे दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है वो क्या है, एक सामान्यीकरण सिद्धांत, क्या है, अधिगम है। नेक्स्ट बात आती है दो तत्व सिद्धांत, यह दिया है आपके स्पीयरमैन ने। द्वितत्व या त्रितत्व कौन दिया है, स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन का कहना है कि बुद्धि दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक होती है सामान्य और दूसरी होती है विशिष्ट। यानी इन्होंने जी और एस कारक दिया है, जी और एस बताया है, दो प्रकार की बुद्धि बताई, ठीक है। उन्होंने कहा सामान्य बुद्धि जो होती है और विशिष्ट बुद्धि, इस बुद्धि के अनुसार अधिगम स्थानांतरण सामान्य बुद्धि का होता है और विशिष्ट बुद्धि का नहीं होता है। इसमें क्या होता है आपका, इसमें अधिगम क्या होता है, सामान्य बुद्धि का होता है, विशिष्ट बुद्धि का नहीं होता है, ठीक है। आदर्शों का सिद्धांत क्या कहता है, इसके जो आदर्शों के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं बागले हैं, कौन है, बागले। पूर्णांक सिद्धांत, यह दिया है किसने, गेस्टाल्टवादी, कौन होंगे, गेस्टाल्टवादी, ठीक है। तो हमने गलत लिख दिया, गेस्टाल्ट, ठीक है, अब सही हो गया। तो गेस्टाल्टवादियों का कहना है पूर्ण सिद्धांत, यानी कोई भी समस्या पूर्ण होनी चाहिए तब क्या होगा,
अगर कोई समस्या पूर्ण रूप से आ रही है तो समग्र रूप से ही उस समस्या का जो है समाधान किया जा सकता है। तो इस सिद्धांत का क्या है, सूझ को अधिक महत्व देता है। कौन सा? पूर्णांक सिद्धांत। गेस्टाल्ट वादियों के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है। अब बात आती है आखिरी बात, जो पॉइंट है। अब हमने बात कर ली अधिगम की, अब अधिगम को जो है अधिगम स्थानांतर का और अधिगम का शिक्षा में क्या महत्व है, एजुकेशन में कैसे अप्लाई करते हैं, हम वो देखेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है अध्यापक को कक्षा कक्ष में सामान्य सिद्धांतों की अधिक जानकारी देनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? अध्यापक को कक्षा कक्ष में सामान्य सिद्धांत की जानकारी देनी चाहिए। अध्यापक को पढ़ाते समय मुख्य बिंदुओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए, यानी जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं उन पे क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और साथ में बच्चों पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चे को क्योंकि भिन्न भिन्न जो बच्चे अलग अलग जो है मानसिक के होते हैं, शारीरिक रूप से अलग अलग होते हैं, तो हर बच्चे को उनके लेवल पे आपको समझाना होगा, उनके जो उनको ध्यान में रखते हुए चीज़ों को बतानी होंगी। छात्रों को नकारात्मक अंतरण के अवसर नहीं दिए जाने चाहिए, यानी उनके माइंड में नकारात्मक चीज़ें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और छात्रों को अधिक से अधिक सामान्यकरण कराना जाना चाहिए। उन्हें क्या करना चाहिए, आप उन्हें मोटिवेट कीजिए। ठीक है, मिलता जुलता टॉपिक लाइए। आप कोई भी टॉपिक ले रहे तो सबसे पहले उसके पूर्व ज्ञान से उसे जोड़िए, उसके वातावरण से जोड़िए, फिर उसके बताइए। ठीक है, छात्रों को नियमित रूप से स्थानांतरण के अवसर देना चाहिए। बार बार वही चीज़ रिपीट हो गया है। तो आप कुल मिला के समझ लीजिए कि बच्चे को ध्यान में रखकर ही आपको अधिगम करना है, और तभी जाके अधिगम प्रभावित होगी। बच्चे को जो है हर बच्चे को व्यक्तिगत रूप से आपको देखना होगा, उसके भिन्न भिन्न क्षमताओं को देखना होगा, उससे जो है आप बच्चे को मोटिवेट करना होगा, उसकी रुचि उत्पन्न करनी होगी, उसके वातावरण से टॉपिक को जोड़ना होगा, तब जाके बच्चा समझ पाएगा। तो ये था अधिगम CDP का, और यहाँ पे अधिगम आपका ख़त्म हो गया। कल हम बात करेंगे अधिगम में जो आपका विकार आता है उस पर। ठीक है, तो आज जो है क्लास आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास आज की अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और दूसरी बात, ये लाइक करना ना भूले और कमेंट जरूर करिएगा। और कुछ आपको लगता है कि कोई टॉपिक जल्दी आनी चाहिए तो आप वो टॉपिक कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो और एक बात बता दें, और क्लासेस जो हुई हैं आपने नहीं देखी तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, और ट्रिक भी आपके लिए डेली लाती हूँ तो ट्रिक भी आप देखिए, बेनिफिट होगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।